यूथ रीच की डिजिटल ई लर्निंग क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं भीम सिंह, आज आपको आइटम कैलकुलेशंस के अंदर हमें टोटल, सब टोटल, डिस्काउंट, जीएसटी, ग्रांड टोटल कैसे निकालते हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि ये टेबल हमें बनानी कैसे है, तो हमें क्या क्या हेडिंग की आवश्यकता होती है। तो सबसे फर्स्ट हमें टाइप करना है सीरियल नंबर, फिर आपको सीरीज लिखनी है, फिर नेम ऑफ आइटम, आपने क्या क्या परचेज या सेल किया है, नेक्स्ट उस आइटम का रेट क्या है, जैसे कि माउस है, माउस का प्राइस है यहाँ पे 500 और क्वांटिटी हमें कितने पीस चाहिए 5 और उनका टोटल कैसे निकलेगा। तो टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, रेट मल्टीपल क्वांटिटी। यहाँ पे यदि आपको कोई भी फॉर्मूला यूज कर में लेना है तो आपके आप सबसे फर्स्ट इक्वल का एक सिंबल लगाएंगे और रेट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम रेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आया E4। E4 कैसे आया, क्योंकि ये हमारी E कॉलम और 4 नंबर रो में है, इसलिए E4। इसको स्टार मल्टीपल करेंगे, क्वांटिटी कितनी है उस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आया F4। F4 क्यों आएंगे, क्योंकि हमारा F कॉलम है और 4 रो है, जहाँ पे 5 टाइप है F4। एंटर करेंगे तो हमारे पास माउस का टोटल आ जाएगा। इसी तरह से जब हम इनको नीचे खींचेंगे, कीबोर्ड का टोटल आ जाएगा, मॉनिटर है, मॉनिटर का टोटल आ जाएगा, पेन ड्राइव का टोटल आ जाएगा, सीडी है तो सीडी का टोटल आ जाएगा। उसके बाद हमें सब टोटल निकालना है। सब टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कर्सर रखना है, ऑटो सब मैंने बताया था कि जो भी टोटल आया है उन सभी को जोड़कर ऑटोसम करेंगे, क्लिक करना है एंटरप्रेस। एंटरप्रेस करते ही आपके पास 19,850 आपका सब टोटल बना है। नेक्स्ट डिस्काउंट, डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है सब टोटल मल्टीपल डिस्काउंट अपॉन 100, कि आपको सबसे फर्स्ट सब टोटल टाइप करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको सब टोटल निकालना है वहाँ पे डिस्काउंट निकालना है, वहाँ पे आप इक्वल का एक सिंबल लगाएंगे और सब टोटल पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक रेफरेंस आएगा G9 कि G9 जो है ये 19850 कौन सी कॉलम है, G और रो कौन सी है 10। G9 स्टार लगाएंगे, मल्टीपल डिस्काउंट कितना है 10%। तो यहाँ पे आप या तो 10% प्रतिशत का सिंबल लगाएंगे, प्रतिशत का सिंबल नहीं लगाते हैं तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके पास डिस्काउंट आएगा 19,850 का 10% 1985 बना है। इसी तरह से आपको 18% जीएसटी निकालना है तो इक्वल का एक सिंबल लगाएंगे, ये भी जीएसटी ऐसे ही आपको टाइप करना है, सब टोटल मल्टीपल जीएसटी अपॉन 100 कि आपको सब टोटल पे क्लिक करना है, G9 मल्टीपल 18% जीएसटी है, और या तो आप परसेंटेज लगाएंगे या फिर आप क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। एंटरप्राइज 3573 रुपये जीएसटी हुआ है, और ग्रांड टोटल निकालने के लिए आपको इक्वल का सिंबल लगाएंगे, सब टोटल माइनस डिस्काउंट और जीएसटी जो टैक्स होता है वो प्लस होगा। तो सब टोटल हमारा 19,850 है, उस पर आपको क्लिक करना है, G9 माइनस डिस्काउंट उस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको प्लस का सिंबल लगाना है और जीएसटी पे क्लिक करना है, और एंटर प्रेस करते ही आपका ग्रांड टोटल 21,438 आ गया है। इस तरह से हम आइटम कैलकुलेशंस का एक फॉर्मेट बनाएंगे और उसमें हमें फॉर्मेटिंग के द्वारा करने के बाद हमें फॉर्मूला की सहायता से आप आइटम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।